गुड मॉर्निंग क्लास, आज हम बीटेक का एंड सेम का रिवीजन करा रहे हैं। उसमें हम बताएंगे आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट टू प्रोड्यूस एन एनायन। मतलब आइसोलेटेड गैसियस एटम में जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो उसमें से जो एनर्जी रिलीज होती है वो हमारी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज आता है। जैसे आयनाइजेशन एनर्जी में उस एलिमेंट पे कौन से चार्ज आ रहे थे? पॉजिटिव आ रहे थे। इसमें क्या आएंगे? नेगेटिव चार्जेस आएंगे। ये भी साइज़ के इन्वर्सली क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर? अब देखो, जब साइज़ की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी तो अप टू डाउन जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? घटेगी। जबकि लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी। लेकिन जो आपके ज़ीरो ग्रुप के एलिमेंट होते हैं वो उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, वो अब और इलेक्ट्रॉन रखने की टेंडेंसी नहीं रखते, इसलिए उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़ीरो होती है। ज़ीरो ग्रुप के पहले आता है हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप में देखा जाए तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, तो मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की होनी चाहिए। लेकिन फ्लोरीन का साइज़ बहुत छोटा होता है, अब वो अपने अंदर और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं कर सकता, इसलिए हमेशा फ्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की होती है। क्लियर? अब आता है क्वेश्चन, द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑफ, किसकी होगी? फ्लोरीन की नहीं हो सकती, किसकी होगी? क्लोरीन की। उसके बाद फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। अमंग द फॉलोइंग विच हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? क्लोरीन। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? जो आपके नोबल गैसेस होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? ज़ीरो होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।